पूरा ट्रेन खाली है, हम लोग मजे से जा रहे हैं। मनीषा यहाँ पे सोई हुई है और उधर मैं पीहू। बहुत तेज बारिश है, रोहित को फोन किए थे, रोहित आ रहा है गाड़ी लेके, तो फिर हम लोग टोटो में जाएंगे। मेरी पीहू ने भीगेगी बस, और कोई टेंशन नहीं, हम भीग भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं ना चमड़े। ठीक है चलिए हम निकलते हैं घर जाके सीधा, फिर आप सबसे मिलते हैं। आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि अभी इतना बारिश में बात करना बहुत, मतलब फ़ोन ब्लॉग करना बहुत मुश्किल है। तो अब घर पहुंच के फिर मिलते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी हम शाम में ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से थोड़ा बिजी हो गए थे, काम उम था, और अभी हम लोग निकल भी रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, तो सब मिलके हम लोग जा रहे हैं, सब रेडी सेडी हो गए हैं। तो पीछे में पूरा सारा बैग उग है, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग अभी पूरा बैग झोला जो जो है सब ले लिया, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोग ऐसे ब्लॉग बने रहेगा, ऐसे भी आप लोगों को थंबनेल देखे तो पता चल ही गया होगा कहाँ हम लोग गए हैं, मतलब कहाँ आए हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये रहा आम पन्ना, ये आम मतलब रेडीमेड है, मतलब पैकेट ला के रखा हुआ था बहुत दिन से, तो मनीषा ही रखी हुई थी, ला के मॉल गए थे तो उस टाइम लिए थे, तो बनाई नहीं थी, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा उसको, तो फिर आज वही बाहर अच्छा हुआ मतलब था वो, तो हम लोग बना लिए हैं, अब लेके जा रहे हैं। दो बोतल बनाए ठंडा ठंडा, ट्रेन में बैठ के आराम से पियेंगे। तो चलिए निकलते हैं, बाबू बाहर वेट कर रहे हैं हमारा। चलो बैग फटाफट चलिए, आज गर्मी से दिमाग खराब हो रहा है। बता दें कि सो फ्रेंड, हम लोग घर से निकल गए हैं और अब जा रहे हैं अंदर। तीनों बैठे हुए हैं और हम लोग दोनों तीनों आगे हैं, पीयू भी आगे हैं। तो अब स्टेशन पहुंच के वहाँ पे भी टिकट भी कटवाना है, उसके बाद फिर हम लोग नहीं प्लेन से तो नहीं प्लेन से पता नहीं कब नसीब होगा प्लेन में बैठने का, कब जाएंगे प्लेन में कहीं बाहर घूमने के लिए। आप लोगों ने सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा प्यार दीजिए, तो ना ट्रेन में बैठ के, हम लोग कहीं ट्रेन में बोल रहे हैं, प्लेन में बैठ के कहीं जाएंगे। बहुत इच्छा लगी प्लेन में बैठने का, कब किस्मत खुलेगा पता नहीं, तो इसीलिए भी जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ लेते हैं, टिकट विकट टिकट विकट कटवाएंगे जाके, उसके बाद फिर पहुंचेंगे सीधा। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते रहेगा, आप लोगों को मिलते रहेगा, जैसे जैसा होगा आप लोगों को ब्लॉग देते रहेंगे, छोटे छोटे क्लिप भी देते रहेंगे, तो आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, बाबू छोड़ के निकल गए हम लोग को, और टिकट फटाफट हम लोग किए, और फिर गाड़ी में बैठ के, गाड़ी लगा हुआ था और गाड़ी छूट भी गई है, और अब हम लोग निकल पड़े हैं जाने के लिए। तो कितना अजीब आ रहा है ना, ब्लर ब्लर आ रहा है, पता नहीं क्यों। अब बारिश भी स्टार्ट हो गया, कितना जोर देके बारिश हो रही है, बहुत जोर बारिश हो रही है। अच्छा लग रहा, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, खिड़की के सामने बैठे हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और पूरा ट्रेन खाली है, हम लोग मजे से जा रहे हैं। मनीषा यहाँ पे सोई हुई है और उधर मैं पीहू और तनिषा खेल रहे हैं, और मजे से हम लोग जा रहे हैं, पूरा गाड़ी खाली है। तो चलिए पहुंचते हैं, पहुंच के फिर आप सबसे मिलते हैं। पहुंच गया चाय वासा, और कितना तेज बारिश हो रही है, देखिए हम कहाँ उतरे थे, उतना दूर में दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आए, मतलब यहाँ पे देखिए अभी ऐसा। आप यू को भी रेनकोट पहना रही है, अच्छा हुआ इसका हम रेनकोट लेके ही आए थे, छाता ही नहीं लाए, छाता भूल गए। बहुत तेज बारिश है, रोहित को फ़ोन किए थे, रोहित आ रहा है गाड़ी लेके, तो फिर हम लोग टोटो में जाएंगे। मेरी पीहू ने भीगेगी बस, और कोई टेंशन नहीं, हम भीग भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं ना चमड़े।
ठीक है ठीक है, चलिए हम निकलते हैं घर जाके सीधा, फिर आप सबसे मिलते हैं आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि अभी इतना बारिश में बात करना बहुत, मतलब फ़ोन ब्लॉग करना बहुत मुश्किल है। तो अब घर पहुंच के फिर मिलते हैं, घूमेंगे। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए, और इतना बारिश ना, बारिश में हम लोग मतलब कितना बजे घर पहुँचे देखिए, 9 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। इतना छुप छुप के मतलब एक एक जगह, थोड़ा बारिश बंद हो रहा है फिर हम लोग कहीं जाके मतलब तुरंत निकल रहे हैं, फिर बारिश स्टार्ट हो रहा है हम लोग कहीं जाके छुप जा रहे हैं, मतलब ऐसा कर करके हम लोग घर पहुँचे हैं इतना मुश्किल से। और अभी बारिश फिर स्टार्ट हो गया है, क्या बोलेगा मनीषा, अभी कपड़ा बोल रहे गैस सब मतलब ये करके गई थी, बड़ा कुक के गई थी, मतलब होल उल के ढाक उक के गई थी, तो अभी ठीक उक करी फिट कर दिए, खाना बनेगा अभी, अभी खाना बनाएंगे। हैप्पी यू, एक तो क्या लेके आई है, क्या हैप्पी यू क्या है, जादूगर क्या है, लोटो फोटो ना, लूट मार एक तो है, देखे नहीं ये खाने का, उसमें 3 की 4 चॉकलेट निकला, देखिए 3 से 4 चॉकलेट मिला पी होगा। तो चलिए हम जरा ड्रेस चेंज कर लेते, क्योंकि पूरा पटियाला मेरा नीचे भीग गया है, तो मैं ड्रेस चेंज कर लूँगा, पूरा इसका भी ड्रेस भीगा है, नाइटी पहन लो, हम भी नाइटी पहन लेते हैं उसके। तो चलिए हमारा ड्रेस चेंज हो गया है, नाइटी में आ गए हम लोग दोनों, और मनीषा का खाना भी कंप्लीट हो गया फटाफट, एक तरफ चावल चढ़ा दी थी, एक तरफ दाल आलू एक साथ चढ़ा दी थी, क्या बनाएगी सोच रही, पूरा रास्ता भर ट्रेन में जैसे उतरे कि स्टेशन में वहीं से सोचने लग गई दीदी, क्या बनाएंगे क्या खाएंगे, अभी रात में जाके हम लोग कुछ करना नहीं होगा, अभी दाल चावल और आलू चोखा कर दो बस, और कुछ नहीं हाँ, कुछ सब्जी उब्जी अभी तो इतना महंगा है, क्या सब्जी लेंगे कुछ समझ में भी नहीं आता, 100 रुपये किलो टमाटर, नॉन वेज तो खाना बंद है। तो रोहित बोला भी कि दीदी चिकन उकन यहाँ पे जो मतलब लेना ले लीजिए अगर खाएंगे तो हम लोग नॉन वेज तो अभी बंद है, खाएंगे नहीं, तो इसीलिए नहीं लिए, दाल भात आलू चोखा सबसे बेस्ट खाना ना सबसे बेस्ट खाना दाल भात आलू चोखा आलू भुजिया अच्छा लगता, नॉर्मल खाना ये सब। हम मोमोज लेके आए थे, पीयू तो खाई नहीं है, अच्छे एक प्लेट लिए थे 40 रुपये लिए थे भेज वाला, भेज में तो क्यों भेजे मिलता है, सिर्फ हम लोग स्टेशन में उतर के गोलगप्पा खाए, बहुत टेस्टी गोलगप्पा मिलता है, तो मनीषा बोली जैसे अभी पानी भी गिरते रहेगा, भीग भीग के खाएंगे लेकिन हम खाएंगे, तो पानी गिर रहा था तो छतरी लगा हुआ था उसी में हम लोग घुस के अंदर में खाए, गोलगप्पा खाए, मोमोज लिए पीयू के लिए, पीयू तो खाई नहीं थी, तो घर में आके एक पीस जैसा खाई और पूरा छोड़ दी, पूरा हमको खाना पड़ा, अभी खाना कैसे खाएंगे हम सोच रहे हैं, पेट में जगह नहीं, लेकिन दाल भात चोखा में लालची आ रहा देख के तो थोड़ा सा खा लेंगे, इतना टेस्टी बना रही है मनीषा, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, अभी दाल छोंक रही है, दाल छोपा लगा रही, देखिए लहसुन सूखा मिर्चा और जीरा, देखिए वाह क्या टेस्टी, हम लहसुन नहीं देते, हम सिर्फ सूखा मिर्चा और 5 फोड़न लेके दाल छोंकते हैं, सबका अलग अलग स्टाइल है छोंकने का, लहसुन देने से थोड़ा स्वाद आता है, लहसुन के स्मेल भी हम तो कच्चा लहसुन तुम जितना देगी हम खा लेंगे, हम कच्चा लहसुन नहीं हम खा लेते, बच्चा जब हो ना तेरा तो वो कच्चा लहसुन खिलाएगा, देखना ना कितना चूड़ा कच्चा लहसुन यही सब खिलाएगा, यही सब खिलाया जाता है, नॉर्मल में खिलाता है, नहीं सीजन में भी खिलाता है, हम तो खाए थे कच्चा लहसुन बहुत खिलाता है, कि अंदर से मतलब मजबूत रहा है, कितना अच्छा स्मेल आ रहा है फ्रेंड, देखिए दाल छोका हो गया, दाल छोका रेडी हो गया हमारा, चावल भी रेडी है और प्याज व्याज काट के रेडी रखी है, इसमें आलू छोका होगा, तो उसके बाद हम लोग खा हो के मिलते हैं फिर आपसे।